जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे हिस्ट्री का चैप्टर 6, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? आंसर होगा ऑप्शन सी, बुर्बो वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बोनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट काबुर को विक्टर एमनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेरिवाल्डी पेशे से क्या था? आंसर होगा ऑप्शन डी, नाविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालवेरिन एक संस्था थी? आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यापारियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? आंसर होगा ऑप्शन सी, बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? आंसर होगा ऑप्शन डी, 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? आंसर होगा ऑप्शन ए, तुर्की।